अध्याय 11। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था, फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चलें। चेलों ने उससे कहा, हे रबी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे और क्या तू फिर भी वहीं जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहां ना था, जिसे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चले। तब थोमा ने, जो दिदमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बेतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता, और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह, जो जगत में आने वाला था, वह तू ही है। यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। यह सुनते ही वह तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है, यह समझे कि वह कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखती ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। तब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहां रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता है। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी ना कर सका कि यह मनुष्य ना मरता? यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकला।
जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु उनमें से कुछ ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। इस पर प्रधान याचकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा, हम करते क्या हैं? यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है, यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। तब उनमें से कायफा नामक एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाचक था, उनसे कहा, तुम कुछ भी नहीं जानते और न यह समझते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट ना हो। यह बात उसने अपनी ओर से ना कही, परंतु उस वर्ष का महायाचक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा, और न केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे। अतः उसी दिन से वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। इसलिए यीशु उस समय से यहूदियों में प्रकट होकर ना फिरा, परंतु वहां से जंगल के निकटवर्ती प्रदेश के इफ्राइम नामक एक नगर को चला गया और अपने चेलों के साथ वहीं रहने लगा। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और बहुत से लोग फसह से पहले देहात से यरूशलेम को गए कि अपने आप को शुद्ध करें। अतः वे यीशु को ढूंढने लगे और मंदिर में खड़े होकर आपस में कहने लगे, तुम क्या सोचते हो, क्या वह पर्व में नहीं आएगा? प्रधान याचकों और फरीसियों ने यह आदेश दे रखा था कि यदि कोई यह जाने कि यीशु कहाँ है तो बताए, ताकि वे उसे पकड़ सके। अध्याय 12। यीशु फसह से 6 दिन पहले बेतनिया में आया, जहां लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोछे, और इत्र के सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला, जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया? उसने यह बात इसलिए नहीं की कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे यह मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वह वहां है, तो वे न केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखे जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया था। तब प्रधान याचकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने, जो पर्व में आए थे, यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सियोन की बेटी, मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य कर्म दिखाया है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे, उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने आकर अंद्रियास से कहा,
तब अन्द्रियास और फिलिपुस ने आकर यीशु से कहा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। अब मेरा जीव व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूं? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचाऊं। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा। दूसरों ने कहा, कोई स्वर्गदूत उससे बोला। इस पर यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। अब इस संसार का न्याय होगा, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। इस पर लोगों ने उससे कहा, हमने व्यवस्था की यह बात सुनी है कि मसीह सर्वदा रहेगा, फिर तू क्यों कहता है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है? यह मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। ये बातें कहकर यीशु चला गया और उनसे छिपा रहा। उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास ना किया, ताकि यशया भविष्यवक्ता का वचन पूरा हो जो उसने कहा, हे प्रभु, हमारे समाचार का किसने विश्वास किया है, और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है? इस कारण वे विश्वास न कर सके, क्योंकि यशया ने यह भी कहा है, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और मन से समझे और फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। यशया ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में बातें की। तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं मानते थे, कहीं ऐसा ना हो कि वे आराधनालय में से निकाले जाए, क्योंकि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूं और क्या क्या बोलूं। और मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूं वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूं। अध्याय 13। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है
और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोछने लगा। जब वह शिमोन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है, और तुम शुद्ध हो परंतु सबके सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सबके सब शुद्ध नहीं। जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताए देता हूँ कि जब यह हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। चले संदेह से कि वह किसके विषय में कहता है, एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसके चेलों में से एक जिसे यीशु प्रेम रखता था यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। शमौन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके उससे पूछा, बता तो वह किसके विषय में कहता है? तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुके हुए उससे पूछा, हे प्रभु, वह कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबाकर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबाकर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। परंतु बैठने वालों में से किसी ने ना जाना कि उसने ये बात उससे किस लिए कही। यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए किसी किसी ने समझा कि यीशु उससे कह रहा है कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए वह मोल ले, या यह कि कंगालों को कुछ दे। अतः वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया, और यह रात्रि का समय था। जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा। हे बालको, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहां मैं जाता हूँ वहां तुम नहीं आ सकते, वैसा ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू कहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया,
जहां मैं जाता हूं वहां तू अभी मेरे पीछे आ नहीं सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। पत्रस ने उसे कहा, हे प्रभु, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि मुर्ग बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा। अध्याय 14। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। उस यहूदा ने जो इस्करियोती ना था उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा, मैं जाता हूँ
और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया है कि जब वह हो जाए तो तुम विश्वास करो। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूँ। उठो यहाँ से चले। अध्याय 15। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छाटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वे पापी ना ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। जो मुझसे बैर रखता है वह मेरे पिता से भी बैर रखता है। यदि मैं उनमें वे काम न करता जो और किसी ने नहीं किया तो वे पापी नहीं ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया। यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है,
तो वह मेरी गवाही देगा और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो।